Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss our new chapter Nandita in Mumbai. Nandita Mumbai जाती है, ठीक है, और वहाँ पर उसने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की, वो वहाँ किस लिए गई, ठीक है, ये सारा हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. सो लेट स्टार्ट. I came to Mumbai a month ago. Since we came, mother has been admitted in the hospital. We had to come to Mumbai for her treatment. तो वो क्या कह रही है कि मैं एक मंथ पहले मुंबई आई थी और यहाँ पर हम आए थे. क्या कह रही है कि सिंस वी केम, जब हम यहाँ आए थे तो हमने क्या किया है, हॉस्पिटल में मम्मी को, अपनी माँ को उसने क्या किया है, एडमिट कराया है. तो वो यहाँ पर किस लिए आई, मुंबई किस लिए आई थी, उनके ट्रीटमेंट के लिए. तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, द बिग सिटी मुंबई. मुंबई क्या है, एक बड़ा शहर है. अब बड़ा शहर है तो वहाँ पर क्या होगा, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, रश होगा, ठीक है, भीड़ भाड़ होगी, बहुत ज़्यादा क्राउड होगा. तो आगे देखिए क्या कह रही है, आई हैव स्लोली गॉट यूज टू द सिटी. I still remember the day when mother and I got off the train at the Mumbai station. It was so crowded. कह रही है कि मैंने क्या किया है, इस शहर को धीरे धीरे समझना, इसे यूज़ करना सीखा है, ठीक है, मैंने इसे धीरे धीरे समझा है. और मुझे वो दिन याद है जब मेरी माँ और मैं मुंबई स्टेशन पर उतरे थे और यहाँ पर क्या थी, बहुत भीड़ थी. तो कह रही है, आई क्विकली कॉट होल्ड ऑफ मदर्स हैंड. I was thinking about how mama would find us in the crowd. तो क्या कह रही है कि मैंने जल्दी से अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और मैं ये सोच रही थी कि जो मेरे मामा हैं वो हमें इतनी भीड़ में कैसे ढूंढेंगे. Just then I heard someone calling loudly from behind. Nandita, Nandita. I turned back and there was mama. तो कह रही है कि मुझे तभी पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई दी, ठीक है, मुझे पुकारने की आवाज़ सुनाई दी, नंदिता नंदिता बोल रहा है कोई. और जब मैं पीछे मुड़ी तो मैंने क्या देखा कि ये मामा थे. वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वर सून ऑन अवर वे टू मामाज हाउस. हमने जल्दी स्टेशन छोड़ दिया, मतलब स्टेशन से निकल गए और फिर कहाँ चल दिए, मामा के घर के रास्ते पर चल दिए. बट अगेन, अब वहाँ से निकलने के बाद क्या कह रही है कि वहाँ पर स्टेशन पर भीड़ थी. अब जब हम मामा के घर जाने के लिए रास्ते में आगे बढ़े तो कह रही है, देयर वॉज ऑल्सो अगेन सो क्राउडेड एवरीवेयर. हर जगह का क्या थी, भीड़ थी. देयर आर मैनी हट्स लाइंड ऑल अलॉन्ग द नैरो स्ट्रीट. वी वेंट थ्रू द स्ट्रीट टू रीच मामाज हाउस. कह रही है कि यहाँ पर पतली सी गली में क्या है, लाइन से लगी हुई थी झोपड़ियाँ. और जब हम गली से होकर गुजरे, मतलब मामा के घर पहुँचे, तो क्या देखती है, मामा, मामी, देयर टू डॉटर्स एंड अ सन ऑल लिव इन वन रूम. तो देख रही है कि मामा के घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, मामा, मामी हैं, उनकी दो बेटियाँ हैं और एक बेटा है, सभी के सभी एक ही कमरे में. और अब और क्या देख रही है आगे, नाउ वो क्या सोच रही है कि अब मुझे भी इनके साथ रहना, आई टू लिव हेयर विद देम, और अब मुझे भी इनके साथ रहना है. इट इज़ हेयर दैट वी सिट, स्लीप, कुक एंड वॉश ऑल इन वन रूम. और यहाँ पर क्या कह रही है, सभी काम होने इसकी कमरे में, वो एक ही कमरे में सारे काम करें, ठीक है, बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं और अपना वॉशिंग करते हैं, जो भी अपना काम है, ठीक है, तो सारे के सारे काम क्या कह रही है, एक ही कमरे में करने हैं, वहीं करते हैं सारे के सारे काम. तो माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज़ ओनली वन रूम, बट वी हैव सेपरेट प्लेसेस फॉर कुकिंग एंड फॉर बाथिंग. वी ऑल्सो हैव अ कोर्ट यार्ड आउटसाइड. तो कह रही है कि मेरा घर जो गांव में मेरा घर है, वहाँ पर भी एक रूम है, लेकिन जो खाना बनाना है, कुकिंग है या फिर नहाना है, ठीक है, बाथिंग, तो उसके लिए क्या है, अलग अलग जगह है. और हमारे वहाँ बाहर की तरफ एक कोर्ट यार्ड भी, ठीक है, एक आंगन भी है. देन आगे देखिए, अब वाटर की, ये तो इनकी क्या थी, लिविंग सिचुएशन थी कि वो एक ही कमरे में रह रहे, वहीं पे सारे काम करें. अब वाटर को लेके क्या कंडीशन है, ठीक है, तो वाटर वाटर, ठीक है, पानी पानी. अब पानी को लेके क्या समस्या, देखिए, मामी सीमा एंड आई गेट अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग एंड गो टू द पब्लिक टैप टू फिल वाटर. ओ नो, यू वॉन्ट बिलीव हाउ मैनी फाइट्स
देयर आर फॉर वाटर। कह रही है कि मामी और सीमा और मैं, हम तीनों सुबह को 4 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि क्या कह रही है कि जो पब्लिक टैप है वहाँ से हमें पानी भरना होता है। आप कह रही है वो नो, बिल्कुल भी आप विश्वास नहीं करेंगे कि वहाँ पानी के लिए कितनी मतलब लड़ाई हो जाती है, कितना झगड़ा हो जाता है। तो इफ़ वी आर जस्ट अ लिटिल लेट देन वी आर नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर द डे। अगर हम थोड़ी सी भी, हमें देरी हो जाए, अगर हम थोड़ा भी लेट पहुँचे, तो क्या कह रही है कि हमें पूरा दिन के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पाएगा, पूरे दिन के लिए हमें पानी नहीं मिल पाएगा। तो देयर इज़ नो टैप इन आवर हाउस इन द विलेज टू। कह रही है कि हमारा घर जो गाँव में है, यानी कि गाँव में जो हमारा घर है वहाँ पर कोई नल नहीं है। द पॉन्ड इन द विलेज हैज़ वाटर। जो गांव का हमारा तालाब है वहाँ पर पानी है, तालाब में है पानी, और इट टेक्स 20 मिनट्स टू वॉक टू इट। वो कह रही है कि वहाँ तक जाने में लगभग 20 मिनट लगते हैं इन समर। गर्मियों में क्या कह रही है, गर्मियों में क्या होता है, सम टाइम द वाटर इन द पॉन्ड ड्राइज अप। गर्मियों में अक्सर क्या होता है, तालाब का पानी सूख जाता है वहाँ पर। देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर टू द रिवर टू गेट वाटर। तो उसके बाद हमें नदी पर जाना पड़ता है पानी के लिए, और पानी लाने के लिए हम जब नदी पर जाते हैं तो लगभग 1 घंटा लग जाता है। बट इन द विलेज देयर वर नो फाइट्स फॉर वाटर। लेकिन गांव में पानी को लेकर कभी भी कोई झगड़ा नहीं होता है। तो वो मतलब कंपैरिजन कर रही है कि भाई जो हमारा गांव है वहाँ पर पानी उपलब्ध है हर कंडीशन में, जबकि पॉन्ड अगर सूख जा रहे हैं तभी भी हमें रिवर अवेलेबल है, और कोई भीड़ नहीं लगती है वहाँ पर, ना ही कोई झगड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, शहर है, इतना बड़ा शहर है मुंबई, बट यहाँ पर क्या है, काफ़ी भीड़ है, पानी अगर हम समय पर लेने ना पहुँचे तो हमें पूरे दिन के लिए पानी नहीं मिल पाएगा, ठीक है, और इस वजह से हमें बहुत जल्दी भी उठना पड़ता है। तो वो कंपैरिजन कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव्स देयर इज अ टॉयलेट एट वन एंड। अब जिस गली में मामा रहते हैं वहाँ पर एक किनारे, एक छोर पर या एक किनारे पर उसके क्या है, एक टॉयलेट है। एवरीवन इन द स्ट्रीट यूजेस दैट टॉयलेट। और गली का हर व्यक्ति या हर कोई बंदा उस टॉयलेट को यूज़ करता है। तो इट इज़ ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल सो बैड। क्योंकि क्या है, एक ही टॉयलेट इतने सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है क्या हो, गंदा होगा और फिर क्या होगा, काफ़ी दुर्गंध होगी। तो एट फर्स्ट इट यूज़ टू मेक मी वॉन्ट टू वोमिट। अगर ये जब पहली बार मैंने उसे यूज़ किया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं वॉमिट कर दूंगी, मुझे वॉमिटिंग सा फील हो गया। एट टाइम्स देयर इज़ नो वाटर। और क्या कह रही है, एक समय पर क्या, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ पानी नहीं होता है, तो वी हैव टू टेक वाटर विद अस। तो कह रही है कि हमें अपने साथ पानी ले जाना पड़ता है। नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस। इन द विलेज पीपुल गो टू द ओपन प्लेसेस और फील्ड्स फॉर टॉयलेट। ठीक है, तो क्या कह रही है कि अब मैं इसे यूज़ करना मतलब सीख गई हूँ ऑल ऑफ दिस, लेकिन जो हमारा गांव है, ठीक है, तो गांव में क्या होता है, जो लोग हैं वो कहाँ जाते हैं, ओपन प्लेसेस पे जाते हैं या फिर फील्ड्स में जाते हैं फॉर टॉयलेट। द मैन एंड वुमेन गो टू डिफरेंट प्लेसेस। और जो आदमी हैं या जो औरतें हैं वो क्या करते हैं, उनके लिए अलग अलग जगह हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन टूडेज वीडियो। द रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। इफ़ You like this video, so please like, share, and don't forget to subscribe. Thank you.